आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EIGRP। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो हमने जो राउटिंग को स्टडी किया है कि राउटिंग होती क्या है, बेसिकली राउट्स की डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, कि कौन सा बेस्ट पाथ चूज करेंगे हम, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन को रीच आउट करने के लिए इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक, कोई फेलियर हो जाता है तो लिंक फौरन जो कन्वर्ज हो जाए, फौरन अप हो जाए, ठीक है, सेकंड लिंक हमारे पास अवेलेबल जो होते हैं। इसके अलावा और ये चीजें होती हैं कि डिसीजन मेकिंग और अल्टरनेट राउट्स हमारे पास कहाँ से हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये राउटिंग के पास होती है। ये हमें पता था ट्रिप एक डिस्टेंस वेक्टर था, हमने स्टडी किया, जिसमें हॉप्स की बेसिस पे वो डिसाइड करता था कि उससे डेस्टिनेशन उसे कौन सा सूट करता है, कौन सा पाथ उसे सूट करता है अगर उसके पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो। उसका मैट्रिक क्या था, हॉप काउंट था। फिर हमने पढ़ा OSPF। OSPF तो था वो लिंक स्टेट था, वो लिंक्स की बेस पे ऑपरेट होता था, स्पेशली बैंडविड्थ को लेके। ठीक है, हमारे पास अगर गीगा का लिंक है एक तरफ और दूसरा पाथ हमारे पास फास्ट इंटरनेट का है, तो ऑब्वियसली वो चूज करेगा OSPF, प्रेफर करेगा गीगा के पाथ को। तो वो लिंक स्टेट की बेसिस पे इस तरह से वर्क करता था OSPF, और उसमें एरियाज का भी कॉन्सेप्ट था जिसमें आप मल्टीपल बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं एरिया वाइज। अच्छा, अब EIGRP, ठीक है, इससे पहले ये जो है ना सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, RIP जो था वो भी सिस्को प्रोप्राइटरी था, OSPF ओपन स्टैंडर्ड था, EIGRP भी सिस्को प्रोप्राइटरी था इन द वेरी स्टार्ट, लेकिन अभी एज अ स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है मार्केट में। ठीक है, पहले ये सिस्को प्रोप्राइटरी था। ठीक है, तो EIGRP स्टैंड फॉर एनहांस्ड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हमारे पास जो है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं तो अभी देख सकते हैं एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास ये है EIGRP। इससे पहले सिस्को ने जब स्टार्ट किया था ना इस पे वर्किंग, तो ये जस्ट IGRP हुआ करता था। ठीक है, फिर इस पे उन्होंने वर्किंग की, इसको इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के बाद इस पे चीज़ों को मतलब बेहतर किया, बेहतर एल्गोरिथम यूज किए, और उसके नतीजे में क्या इसको नाम दिया उन्होंने एनहांस्ड कर दिया। एनहांस्ड है मतलब बेहतर है, और वही सेम टाइम उन्होंने पहले रहने दी इंटरनेट गेट पे राउटिंग प्रोटोकॉल, एनहांस्ड इंटरनेट गेट पे राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, ये आपने चीज याद रखनी है, दिस इज वन काइंड ऑफ अ हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड इन द सेंस, हाइब्रिड कार्स हमारे पास होती हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो बैटरीज पे भी फंक्शन कर रही होती हैं और फ्यूल पे भी फंक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, दोनों पे फंक्शनैलिटी करने का मकसद ये है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक स्टेट के भी कुछ फीचर्स को यूज कर रहा होता है, और साथ के साथ डिस्टेंस वेक्टर हॉप काउंट को भी यूज कर रहा होता है साथ के साथ। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि दोनों को वो जो मतलब अच्छे फीचर्स हैं उनको पुट अप करके EIGRP को बनाया गया, ताकि दोनों मतलब यूटिलाइज करके दोनों के बेस्ट फीचर्स को एक अच्छा प्रोटोकॉल मार्केट में लाया गया। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब यह था कि ये बिटवीन टू सिस्को डिवाइसेस ऑपरेट हुआ करता था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इसको ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया, मतलब आप हर कोई डिफरेंट डिवाइसेस के बिटवीन भी आप EIGRP यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरा माउस शो हो जाए यहाँ पे हाइलाइटर लेजर पॉइंटर। ठीक है, हमारे पास जो थे क्लासफुल, वो हमारे पास वो होते हैं जो सबनेटिंग को मतलब नहीं करते सपोर्ट, सबनेटिंग के उन्हें नहीं पता लगता प्रोटोकॉल्स को कि सबनेटिंग हुई भी है कि नहीं हुई। उसमें RIP है और IGRP जो शुरू में होता था हमारे पास। क्लासलेस हमारे पास जिनको राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पता लग जाता है कि राउटिंग हुई भी है कि नहीं हुई भी। अब वो कैसे पता लगता है, हमने OSPF में किया था तो वाइल्ड कार्ड यूज किया था, वो वाइल्ड कार्ड देने का मकसद यही था ताकि पता लग जाए प्रोटोकॉल को कि ये राउटेड आईपी है, सॉरी सबनेटेड आईपी है, किसी मतलब बेसिक आईपी है, क्योंकि हम क्लास ए के साथ भी तो /24 लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो वो 8 होता है। तो इस चीज को समझने के लिए
ये क्लासलेस होती है हमारे पास, जो सबनेटिंग को, यहाँ पे सबनेटिंग परफॉर्म हुई होती है क्लासलेस में। अच्छा, उस सबनेटिंग को कौन समझ सकता है? रेड प्रो वर्जन 2, इसको भी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सर उमर ने बताया था, बल्कि उन्होंने आपको सारा कमांड्स के थ्रू भी बताया था और बताया भी था कि क्या फर्क है इनके बिटवीन। IGRP को एनहांस करके बनाया गया, EIGRP जब उसको एनहांस किया गया तो उसमें ये सबनेटिंग वाला फीचर भी डाला गया कि वो सबनेटिंग को अंडरस्टैंड कर सके, क्लासलेस IPs को अंडरस्टैंड कर सके। फिर OSPF भी इसमें है, ISIS है और ये काफी सारे हैं, ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देंगे। और ये जो नीचे है ना सबसे लास्ट वाले, ये है IP version 6 के लिए, ये IPv4 है ये दोनों ऊपर वाले, और ये लास्ट में है IPv6। अगर आप IPv6 यूज करें तो रिप्ट NG, ये IGRP, ये सेम ही नाम है, ये वर्जन 3 है OSPF का, वो IP6 के लिए, ये भी इसी तरह ही है। अच्छा, अब डिस्टेंस फैक्टर में कौन से वो प्लेस कर रहे हैं? क्लासलेस की समझ आई होगी आपको। अब इनमें से डिस्टेंस फैक्टर कौन से हैं? ये वाले हैं, RIP, IGRP, RIP version 2 और EIGRP। और लिंक स्टेट में कौन से हैं हमारे पास? OSPF एंड ISIS, ये हमारे पास है। EIGRP मैंने कहा हाइब्रिड आएगी, कुछ फीचर्स यूज करता है लिंक स्टेट के भी, ठीक है, लेकिन बाय ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस वेक्टर है। ट्रेडिशनल अपनी मतलब बैकग्राउंड इसका जो है वो डिस्टेंस वेक्टर वाला है। ये इसकी हिस्ट्री है आपके सामने कि पहले ये IGRP हुआ था, डेवलप कब हुआ था? 1985 में। किस वजह से डेवलप हुआ था? क्योंकि रिप में आपको पता है लिमिटेड नंबर ऑफ हॉप काउंट्स है, कितने होते हैं? स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि रिप में कितने हॉप काउंट्स की लिमिट होती है हमारे पास? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स आप सही कह रहे हैं, 15, ठीक है। तो इस लिमिट को मतलब दूर करने के लिए कि यार अगर लेट सपोज ज्यादा राउटर्स इन बिटवीन आ रहे थे तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस पर्पस के लिए IGRP डेवलप किया गया था और इसने इस चीज को तो ओवरकम कर दिया, लेकिन फिर काफी सारी इनएफिशिएंसीज मजीद इसमें डेवलप हो गई जिसकी वजह से उन्हें इसे मजीद एनहांस करके EIGRP बनाना पड़ा। द सेकंड लाइन क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, ठीक है, एग्री कर रहे हैं। हॉप्स जो है इसमें तो डिस्टेंस वेक्टर होगा। मैट्रिक्स कौन से यूज करता है? IGRP की बात हो रही है। इट यूजेस बैंडविड्थ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, जबकि डिस्टेंस फैक्टर तो हॉप काउंट पे यूज करता है, लेकिन ये जो है मैट्रिक्स है ये अपनी कैलकुलेशन किस बेसिस पे करता है? बैंडविड्थ की बेसिस पे करता है प्लस डिले। ये चीज आपने याद रखनी है, चार फैक्टर्स हैं जिसको मेजरमेंट को वो करता है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी एंड लोड, ठीक है। इन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप तो, अगर आपके नेटवर्क में लोड ज्यादा है, आप उसके लोड को एज अ मैट्रिक यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जिस बेसिस पे वो कैलकुलेशन करता है IGRP या EIGRP तो वो बैंडविड्थ प्लस डिले की बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सा रूट उसको मतलब सूट करता है, कौन सा बेस्ट पाथ है और ये ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ। लिंक स्पीड प्लस उस लिंक स्पीड पे कोई डिले है या नहीं डिले, इस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कौन सा पाथ बेस्ट है और राउटर टेबल में उसकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, अगर लिंक फेलियर हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा? लोड मतलब उस डाटा बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है अगर उसमें तो फिर क्या है? तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं, इन मैट्रिक्स के बेस पे भी आप राउटिंग टेबल को मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अब यहाँ पे एक इमेज ये ऊपर हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, डेट्स लिखी हुई है, इसको देख लीजिए एक नजर बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ट्रेडिशनल वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल वर्सेस एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ट्रेडिशनल हमारे पास रिप वगैरह जो थे उनका मुकाबला किसके साथ है? EIGRP के साथ, ये समरी है। ये बेलमन फोर्ड को यूज करता है, इट यूजेस जो एनहांस्ड वाले हमारे पास ये डुअल को यूज करते हैं, ड्यूल स्टैंड फॉर डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, ठीक है। पहला डिफरेंस एल्गोरिथम का डिफरेंस हो गया, जाहिर सी बात है आप बैक एंड पे ही आपने चेंजिंग कर दी है, और अगर ड्यूल की परफॉर्मेंस, एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस अगर बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम से अच्छी है तो वो तो बैक एंड से इफेक्ट आ जाएगा,
परफॉर्मेंस वाइज। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि सर ड्यूल पहले यूज कर लेते रिप में भी, तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये डेवलप ही ना हो, ड्यूल एल्गोरिथम बाद में आया हो, तो फिर उसने सिस्को ने इसको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है कंपेयर टू बेलमेंट फोर्ड एल्गोरिथम। सेकंड क्या लाइन है, एज आउट राउटिंग एंट्रीज एंड यूजेस पीरियोडिक अपडेट्स। जो राउटिंग एंट्रीज आपकी काफी टाइम से पड़ी होती है उनको एज आउट कर देता है, मतलब उनकी एज खत्म कर देते हैं और पीरियोडिक अपडेट्स भेजता रहता है राउटिंग टेबल में। मैंने आपको दिखाया था बार बार अपडेट्स जा रही थी रिप के सिमुलेशन मोड में, तो हर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो पीरियोडिक अपडेट्स फ्लोट हो रही थी नेटवर्क के अंदर। सेकेंडली जो था यहाँ पर इसका पॉइंट ये था कि डज नॉट एज आउट राउटिंग एंट्रीज नॉट यूजेस पीरियोडिक अपडेट्स। पूरा नेटवर्क जो होता है उसमें जो एंट्रीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है ये EIGRP हमारे पास इस तरह से वर्कआउट नहीं करता, ठीक है। ये जस्ट आगे चल के आप इसको अगर स्टडी हम करेंगे भी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो कितनी मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है उस पीरियोडिक टेबल में। और सेकंडली वो कह रहा है कि लूप फ्री बैकअप पाथ्स को ये मेंटेन रखता है। हमने स्पैनिंग ट्री में पढ़ा था कि लूप्स जो है वो काफी डिफिकल्टी क्रिएट करती हैं जब भी क्रिएट होती हैं वो, तो उससे क्या होता है हमारा जो सिस्टम स्लो हो जाता है प्लस सीपीयू की कंजम्पशन बढ़ जाती है। और अनलाइकली अगर आपकी सीपीयू की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी डिवाइस एट फॉल्ट भी जा सकती है या एरर भी जा सकती है, तो इसलिए लूप फ्री सिस्टम को रखना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह कंटिन्यूस अगर आपके मोबाइल पे अगर किसी के पास पुराना फोन हो, ठीक है, सैमसंग के सी सीरीज के लेट सपोज, तो अगर उनपे आप 4G कंटिन्यूस चलाएंगे तो वो हीट अप हो जाएगा, आप उसको मतलब हीट को महसूस कर सकते होंगे। कुछ लेटेस्ट मोबाइल में भी ऐसा होगा जो मतलब बिलो द बजट या एवरेज फोन मतलब अगर कंसिडर ना हो तो वो भी हीट अप हो जाते होंगे या परफॉर्मेंस उन पर जब जोर पड़ता होगा तो वो हीट फील करते होंगे आप अपने हैंड में। तो दिस इज द कंजम्पशन ऑफ CPU। CPU जो है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्किंग कर रहा होता है और अल्टीमेटली क्या हो सकता है वो क्रैक हो सकता है, उसमें कोई फॉल्ट आ सकता है या एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए लो फ्री रखना होता है सिस्टम्स को। अच्छा ये भी जो हमारे पास एनहांस डिस्टेंस वेक्टर है लाइक OSPF ये भी एक टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करता है, ये आपने याद रखना। OSPF एंड EIGRP सिमिलर इन सेंस क्योंकि ये इसका मैट्रिक बैंडविड्थ है, प्लस OSPF की तरह जो EIGRP है वो तीन टेबल ही मेंटेन करता है, नॉट लाइक RIP एक सिंगल टेबल मेंटेन किया राउटिंग टेबल दैट्स इट, ठीक है। EIGRP नेबर टेबल भी मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल भी मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल भी मेंटेन करता है जस्ट लाइक OSPF, ठीक है। इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं, जो बेस्ट फीचर्स है ना दोनों प्रोटोकॉल्स के RIP के एंड OSPF के उनको ये अडॉप्ट कर रहा है। अब उन तीनों पाथ को करने से क्या हुआ, लो फ्री बैकअप पाथ्स आपके सामने आ जाते हैं कौन से अवेलेबल हैं। अच्छा व्हेन राउट बिकम्स अनअवेलेबल द राउटर मस्ट वेट फॉर अ न्यू राउटिंग अपडेट, ठीक है। कोई पाथ अनअवेलेबल होता है तो वेट करता रहता है सिस्टम ट्रेडिशनल में, और अगर एनहांस की बात करें अगर वहां पे कोई पाथ अनअवेलेबल होता है तो ड्यूल क्या है फौरन ही बैकअप पाथ पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, अगर वहां पे कोई बैकअप पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो, ये शर्त होनी चाहिए। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या, स्लोअर कन्वर्जेंस ड्यू टू होल्ड डाउन टाइमर्स। हमने कुछ टाइमर्स को स्टडी किया था, सर उमर ने भी पहली क्लास में आपको बताया था कुछ डिले टाइमर्स होते हैं, होल्ड डाउन टाइमर्स होते हैं, हेलो टाइमर होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में क्या प्रॉब्लम थी, वो टाइमर्स की लेंथ बहुत ज्यादा थी, वो टाइमर्स की लेंथ इस वजह से ज्यादा थी कि ताकि CPU पे बहुत ज्यादा लोड ना आए, कंप्यूटिंग पावर जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो जिसकी वजह से डिवाइस फॉल्टी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपको पता है एडवांस करती गई तो CPU की कंजम्पशन और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई, तो वो टाइमर्स को रिड्यूस किया गया, टाइमर्स रिड्यूस हुए तो जाहिर सी बात है वो आपकी टाइमर कम हुए हैं तो अल्टीमेटली उसे क्या होगा, नेटवर्क आकर जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा और कैलकुलेशन जल्दी परफॉर्म हो रही है एंड जल्दी डिसाइड करेगा कि मैंने इसको नेबर रखना है नहीं रखना है, इसको अपने टेबल में इसको एंट्री रखनी है कि नहीं रखनी, मुझे इसके जगह कोई नया अल्टरनेट पाथ देखना है या नहीं देखना, ठीक है। तो टाइमर्स अल्टीमेटली कम हो चुके हैं।
ये पॉइंट्स मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ये छोटे हैं, मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप में से मुझे किसी ने याद भी नहीं करवाया, मैंने आपके साथ लास्ट वाली भी नहीं शेयर किया, आई थिंक सो। स्लाइड्स मुझे आप याद करवा देते अगर तो मैं ना शेयर कर देता। चलिए मैं दोनों शेयर कर दूंगा, ओ एस पी एफ का भी और ई आई जी आर पी का भी। अच्छा, लास्ट पॉइंट है स्लोअर कन्वर्जेंस ड्यू टू होल्ड डाउन टाइम, ये हाँ ये तो हो गया ठीक है, और इसकी फास्टर कन्वर्जेंस होती है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस एनहांस्ड में ये डिफरेंस है, कोई अगर आपसे पूछता है कि ट्रेडिशनल राउटिंग वाले थे उनमें क्या डिफरेंट है, एनहांस्ड वाले में क्या डिफरेंट है, तो होपफुली अब आप एक्सप्लेन कर लेंगे चीजों को। इसमें कोई क्वेश्चन है ये जीआरपी की समझ नहीं आई, मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। ओके, ये बहुत सारी डिटेल है, थ्योरी की गर्ज से सिर्फ डाली हुई, हालांकि स्लाइड पे इतनी होती नहीं है। जस्ट ये मैंने जस्ट इंटरनेट से स्लाइड्स उठाई थी, तो वहां से आपको स्टडी कर दिया। तो ये जी आर पी क्या वो कह रहा है कि डिस्टेंस फैक्टर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट नेम क्या है जी, इज एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सॉरी, इंटरनेट था, इंटीरियर था, इट वाज इंटीरियर। श्योर, मैं लेक्चर में इस दफा लिख दूंगा एडिट करके, लेक्चर टॉपिक्स में लिख दिया करूंगा। अच्छा, बोथ आर सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। अब ये स्लाइड्स थोड़ी पुरानी है आई थिंक सो, तो यहाँ पे लिखा हुआ वरना स्टैंडर्ड बन चुके हुए हैं। अच्छा, ये चीज है, एनहांसमेंट के बाद क्या फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड हुए। दीज फीचर्स इंक्लूड रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आरटीपी। दिस मेक्स श्योर के जो कनेक्शन है या लिंक्स हैं बिटवीन द डिवाइसेस दैट आर रिलायबल, ठीक है, कोई लिंक डाउन हो तो फौरन ही हमारे पास बैकअप लिंक अवेलेबल हो, ठीक है, बाउंडेड अपडेट्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंडेड अपडेट्स कोई बता सकते हैं बाउंडेड अपडेट्स क्या है कमेंट सेक्शन में। ये हमारे पास तो कुछ फीचर्स हैं, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसमें ऐड अप हुआ, बाउंडेड अपडेट्स, ड्यूअल का ऐड हुआ। लाइक मैंने प्रीवियसली बताया था कि रिप में तो चल रहा था हमारे पास बेलमैन फोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बेलमैन फोर्ड की जगह ड्यूअल को यूटिलाइज किया गया। ओएसपीएफ की तरह एडजेसेंसीज डेवलप की जाती हैं, ठीक है, नेबर एंड टोपोलॉजी टेबल्स अपडेट किए जाते हैं। तो इन पांच जो फीचर्स पे ईएजीआरपी जो है ना, ये बेसिस है उसकी। और ये एक लाइन लिखिएगा, ऑल्दो ईएजीआरपी मे एक्ट लाइक अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज स्टिल अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि उसके एंसिस्टर जो है डिस्टेंस वेक्टर है, आईजीआरपी डिस्टेंस वेक्टर था, उसमें एनहांसमेंट लैगिंग है, वो बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर ही। लिंक स्टेट के कुछ फीचर्स उसमें ऐड कर दिए गए, तो इसको कुछ लोग हाइब्रिड कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, तो ये मिक्स ही है इस हवाले से। लेकिन फीचर्स ये ओएसपीएफ के भी यूज करते हैं जो लिंक स्टेट है, एंड रिप के भी यूज करते हैं, ये आपने याद रखनी है मेन बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाउंडेड अपडेट्स की आपने बता दी और मुझे भी याद करवा दिया कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आपने सही बताया बीना जी, बाउंडेड अपडेट्स ये होती हैं कि जस्ट जो डिवाइसेस नेटवर्क में अवेलेबल हैं, ठीक है, राउटिंग टेबल में कोई अपडेट या चेंज आई है, उस चेंज से जो डिवाइसेस इफेक्ट हो रही होती हैं, जस्ट वो अपडेट उन्हीं को सिर्फ भेजी जाए, ठीक है, दिस इज बाउंडेड अपडेट्स। आपने क्या किया, लिमिट किया बैंडविड्थ को, एक्स्ट्रा कोई अपडेट नहीं जा रही, सिर्फ नेसेसरी अपडेट्स जा रही है, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ बैंडविड्थ अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, तो और नेटवर्क पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा इस हवाले से।